ओके नमस्ते आदाब सत श्री अकाल, मैं हूं सीए संकल्प कांचतिया। स्वागत है आपका इस नए सेशन में गाइस। सो आर यू रेडी टू लर्न समथिंग न्यू? देन लेट्स गेट स्टार्टेड। सो लास्ट सेशन इंट्रोडक्टरी सेशन था, जहां पे मैंने आपको बताया कि कैसे स्टॉक मार्केट का उतार चढ़ाव होता है। ऑल्सो वी गॉट टू नो कि क्या अप्रोच रखने वाला हूं मैं, व्हाट आर द बुक्स दैट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट, एंड देन द पेपर पैटर्न, कैसे अपन लोग ने ये सब्जेक्ट को फोर फेजेस में डिवाइड किया है, फेज वन, फेज टू, फेज थ्री एंड फेज फोर। एंड अब स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग फाइनली फेज वन के साथ, विच इज म्यूचुअल फंड्स। एंड जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो भाई, देखो कि ये मेरे फेज वन का पहला चैप्टर है, ये मेरे फेज वन का पहला चैप्टर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, आप लोगों के लिए एमसीक्यू का टेस्ट ऑलरेडी डाल के रखा है हमने हमारी वेबसाइट के ऊपर, और रिवीजन लेक्चर्स भी अवेलेबल है यूट्यूब के ऊपर। बट उसके पहले क्यों ना अपन अपना एक नॉर्मल किक स्टार्ट दे दे इस चैप्टर को, सो दैट वी कैन टेक थिंग्स फॉरवर्ड। तो चलो आप स्टार्ट करते हैं उस नोट के ऊपर एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ यस द म्यूचुअल फंड्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं आपको अगर एक एक्सपेक्टेशन बता दूं ना, तो समझ लो इस चैप्टर में से अप्रोक्सीमेटली 8 मार्क का क्वेश्चन आना ही आना है। नाउ इफ अ चैप्टर इज गोइंग टू फेच यू 8 मार्क्स, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अप्रोक्सीमेटली 8 to 10% का इस चैप्टर का वेटेज है, एंड ऑब्वियसली दैट इज समथिंग बिग। एक बार मेरे पास से प्लीज ऑडियो वीडियो कन्फर्म कर लेना, ऑल वेल, गुड मॉर्निंग, यस, मनोज्ञ, मानसी, उर्वशी, एन श्रीवी, भरत, भार्गव, शेखर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यस, रितिका, वर्षा, एवरीबॉडी, प्रथमेश, मोहिता, कोमल, ऑल ऑफ यू ऑल आर वेलकम टू दिस सेशन ऑन म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, सो आप लोग सब लोग ने कंफर्म कर दिया है, यस सर, ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, should not be a problem at all. चलो, so अब मैं आप लोगों के साथ कुछ discuss करना चाहता हूँ, ठीक है? Before we start with the concept of mutual fund, मैं बोलता हूँ कि देखो अभी आप लोग के exams, ठीक है? Let's assume that your exams are in the month of May. तो आप लोग कहना इसे 1 जैन से एकदम इज्जत वाड़ी में, मतलब एकदम serious होके you will start studying from 1 जैन, बराबर है? तो अगर 1 जैन से आप लोग एकदम पढ़ाई करने लग गए हो और आर्टिकलशिप में आप लोग ने बहुत सारा पैसा कमाया है, अच्छा थोड़ा थोड़ा पैसा कमाया है, चलो मुझे बोलो कि समझो तुम लोग अभी आर्टिकलशिप का लीव मिल रहा है, कितना पैसा कमा लिया है आर्टिकलशिप में? अगर मैं बोलता हूँ महीने का 5,000 रुपया प्रॉक्स भी कमा रहे हो, मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 2 ईयर्स, तो 1,20,000, उसमें से चलो 50% माइनस कर देते हैं, तो 50,000 रुपए का तो सेविंग बचा होगा ना अभी तक का, क्या बोलते हो? अब आने वाले 4 से 5 महीना यू आर गोइंग टू बी वेरी बिजी, यू विल बी लाइक बॉस आई जस्ट हैव वन थिंग इन माय लाइफ, कि सर स्टडीज स्टडीज स्टडीज, कोई 2 ग्रुप दे रहा है, कोई 1 ग्रुप दे रहा है, जो भी प्लान है, किसी का एसपीओएम का एग्जाम भी बाकी है, उसका भी तैयारी है, फिर ग्रुप 1 करेगा, फिर ग्रुप 2 करेगा, सो यू आर वेरी डेडिकेटेड एंड नाउ फोकस that sir we want to ensure that we clear our exam in first attempt, but aisa scenario hai ki sir hamare bank mein 50,000 rupaya aise hi pada hai, samajh rahe ho? Aur aap ek akele nahi ho, aap jaise kafi sare students hai, say for example mere paas agar ye live pe 200 students mere sath live batch mein yahan pe hai, to in sare ke sare bachcho ka 50,000 rupaya can I say spare pada hai? Bolo kya karo, स्पेयर ही रहने दो, बट या फिर एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट कहीं ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करें अपन दैट वी गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। व्हाट डू यू फील, व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस? ठीक है, 200 स्टूडेंट यहां पे बैठे हैं जिनके पास 50,000 रुपीज का सरप्लस पैसा पड़ा है, क्या लग रहा है जाने देते हैं वो पैसे को, ऐसे ही बस पड़े रहेगा फिक्स डिपॉजिट में 5-6% मिलेगा, या फिर आपको लगता है कि नहीं सर काश ये 50,000 हम लोग जब तक हमारा एग्जाम दे वो 50,000 60,000 हो जाए,
ताकि जो 10,000 एक्स्ट्रा है, सुनना मेरी बात को ध्यान से, ताकि जो 10,000 एक्स्ट्रा है उससे हम लोग एग्जाम के बाद गोवा घूम के आए। क्या बोलते हो यार, आज ब्लू है पानी 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 और दिन भी सानी है। तो बात कुछ ऐसी है कि 50,000 रुपीज का आप लोगों के पास पैसा पड़ा है, बट आपको लगता है कि यार मैं क्या करूं इस पैसे का, मैं क्या करूं इस पैसे का कि ये पैसा बढ़ जाए। आप बोलोगे कि सर चलो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, गोल्ड में इन्वेस्ट कर देते हैं, या डेरिवेटिव्स या और कहीं पे भी इन्वेस्ट कर देते हैं, बट आपके पास तो टाइम है ही नहीं। मतलब ऐसा है कि भाई सुबह 7 बजेगी, दिन का सूरज उगेगा आपका, और कब ये सूरज ढलेगा, रात हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। इतना सब कुछ है आपके पास तो पढ़ने के लिए, इतनी सारी चीजें हैं प्रैक्टिस करने के लिए, तब एंट्री होती है आपके हीरो की, एंड दैट इज मिस्टर संकल्प कांस्टिया। हीरो एंटर होता है आपके लाइफ में और बोलता है कि सुनो, क्यों ना आप 200 के 200 जो लाइव मेरे साथ बैठे हुए हो, तुम लोग ये सारा का सारा पैसा मुझे दे दो, मैं आपके बिहाफ पे इन्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं फ्री बैठा हूं, मेरे पास तो यही काम है, प्लस मेरे पास नॉलेज भी है, मेरे पास इक्विटी मार्केट का नॉलेज है, मेरे पास गोल्ड है, मेरे पास डेट मार्केट का नॉलेज है, तो मैं तुम्हारा पैसा ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करूंगा कि 50,000 रुपीज 6 महीने के बाद, जब तुम इस वनवास के बाद से बाहर निकलोगे, जब ये पढ़ाई के शैकल से बाहर निकलोगे, तब तुम्हारा कॉर्पस जो 50,000 का है वो बढ़ चुका होगा, हो सकता है वो शायद 60,000 रुपीज हो चुका होगा। क्या बोलते हो? और वही जो एडिशनल पैसा है, मैं तो बोलता हूँ 50,000 उधर ही रखो, वही जो एडिशनल पैसा जो आपको मैं कमा के दूंगा, उससे कहीं ना कहीं आप वैकेशन करके आओ, तो माइंड भी फ्रेश हो गया, पैसा भी थोड़ा बढ़ गया, मेरा अननेसेसरी वेस्टेज ऑफ मनी भी नहीं हुआ, ऑल ऑफ द थिंग्स आर सॉर्टेड। क्या बोलते हो पब्लिक, सही जा रहा हूं क्या मैं? क्या तुम लोग इन्वेस्ट करना चाहोगे मेरे पास? एवरीबॉडी, सब लोग बोल रहे हैं यस सर, ये आइडिया बहुत अच्छा, और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, ठीक है, कॉन्सेप्ट तो समझा ही रहा हूं मैं, बट सीरियसली बोल रहा हूँ, सोचना इसके बारे में कि ऐसा कुछ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो से फॉर एग्जाम्पल, आज की तारीख है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर है, आप सब फ्री हो गए एग्जाम से 15 मई को, आप सब फ्री हो गए एग्जाम से 15 मई को, ठीक है। आप कितने स्टूडेंट्स हो? आप लोग सब हो, टोटल मिला के सर हम लोग है 200 स्टूडेंट्स, एंड सर हम लोग सब लोग के पास 50,000 रुपए की जमा पूंजी बची हुई है, वी हैव आर ओन सरप्लस अर्निंग्स जो हमको किसी को नहीं देना है। अब ये सारे के सारे तुम लोग स्टूडेंट्स अगर मेरे को ये पैसा दे देते हो, पर स्टूडेंट अगर ये पैसा आ जाए, तो 50,000 × 200, मैं बोलता हूँ अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपीज मेरे पास आ जाएगा, ₹100 लाख, या जिसको अपन बोलते हैं 1 करोड़। अरे बोलो ना, बोलते क्यों नहीं, हाँ कि ना? अब ये 1 करोड़ रुपीज को मैं क्या कर दूंगा गाइस, मैं म्यूचुअली डिसाइड करके ये जो पैसा आया है इसको इन्वेस्ट करूंगा। अब आप मेरे को बताओ, आप खाली 50,000 रुपये इन्वेस्ट करो और उसके जगह पे मैं पूरा का पूरा 1 करोड़ एक अच्छे कॉर्पस पे इन्वेस्ट करूं, सीधी सी बात है यहाँ पे ज्यादा आने का, रिटर्न आने का चांसेस है, क्योंकि आपको अगर इन्वेस्ट करना है तो आप एक दो जगह पे ही कर पाओगे। मेरे पास आज 1 करोड़ रुपया है, हो सकता है कि मैं 30 लाख रुपीज रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दूं, 20 लाख रुपीज मैं गोल्ड में इन्वेस्ट कर दूं, 30 लाख रुपीज मैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं, 20 लाख रुपीज मैं डेट मार्केट में इन्वेस्ट कर दूं। तो इस हिसाब से मैंने क्या किया, इतना सारा कॉर्पस आया है ना, तो मैं ये कॉर्पस को प्रॉपरली डाइवर्सिफाई कर पाया हूँ, अलग अलग जगह पे डाल पाया हूँ, और ये चारों जगह से जितना जितना रिटर्न्स मैक्सिमाइज करके मिल सकता है, ये सारा का सारा रिटर्न मेरे पास आ जाएगा। जैसे ही ये रिटर्न मेरे पास आया, ये पैसा मेरा नहीं है, ये पैसा आपका है, तो रिटर्न भी आप ही का होगा, बट इस रिटर्न के सामने मैं आपको बोल दूंगा, थोड़ा सा मुझे मेरे फंड मैनेजमेंट का, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का एक कमीशन दे दो, एक फीस दे दो, मैं भी खुश तुम भी खुश, बात खत्म। समझ में आ रहा है आपको? म्यूचुअली कुछ फंड इकट्ठा किया और ऐसे जगह पे इन्वेस्ट किया जहां से अच्छा रिटर्न मिल सके, और जहां भी इन्वेस्ट कर रहा हूं आप लोगों को बता के करूंगा, उससे जो रिटर्न आया वो आप ही का है, क्योंकि पैसा भी आप ही का है। बस ये मेहनत करने के लिए मुझे जो मेरा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करने के लिए फीस मिलेगा वो दे देना, एवरीबॉडी इज डन। जी हाँ, इसी कॉन्सेप्ट का नाम है, लेडीज एंड जेंटलमैन,
म्यूचुअल फंड, लेडीज एंड जेंटलमैन, म्यूचुअल फंड। हो सकता है आप लोगों को म्यूचुअल फंड के बारे में पता हो, अभी आजकल तो इतने सारे आ जाते हैं म्यूचुअल फंड, सही है। और रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, एमएस धोनी, इतने बड़े बड़े दिग्गज लगे हुए हैं म्यूचुअल फंड्स को प्रमोट करने के लिए। बट तो हो सकता है आपको ये चीज पता हो, बट मेरा फर्ज है ना, मैं आपको बेसिक से पढ़ाऊं, वादा किया था ना। सो दैट्स वेयर वी हैव स्टार्टेड दिस ऑन दैट नोट। आर वी क्लियर गाइज विद द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड्स? तो क्या तुम लोग सब इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हो? मुझे बताओ अपने फंड का अपन नाम क्या रखेंगे? AFM म्यूचुअल फंड, AFM मास्टर क्लास म्यूचुअल फंड, ऐसा क्या? अपने अभी देखो ये फंड मेरे पास आया है तो इसका कुछ नाम तो रखेंगे ना, कि भाई ये फंड फिर कहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है वो आपको हम लोग बताते रहेंगे। क्या बोलते हो, फंड का नाम बताओ? चलो एवरीबॉडी इज क्लियर? यस सर। सो अब हम लोग फंड का नामकरण कर रहे हैं, और आज मेरे पास ये सब लोग का 50 50 हजार रुपया जीपे से या नेट बैंकिंग से आ जाएगा। बोलो व्हाट इज द नेम ऑफ द फंड दैट वी आर गोइंग टू कीप? एवरीबॉडी ओके, विनेश कुमार बोलता है एस के एम एफ म्यूचुअल फंड, वर्षा पॉडर AFM म्यूचुअल फंड। यस, जो भी नाम हो सर, नाम में क्या रखा है? एब्सोल्युटली सीए मास्टर क्लास म्यूचुअल फंड, मास्टर ब्लास्टर, वाह ये भी अच्छा नाम है। सो एनीवेज बहुत सारे नाम है, फिलहाल अपन लोग यहाँ पे रख लेते हैं ये है एस के म्यूचुअल फंड, ये है एस के म्यूचुअल फंड। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? तो इस म्यूचुअल फंड की शुरुआत हो चुकी है। अज्यूम कर रहा हूं मैं आप लोग सब लोग ने मुझे 50,000 रुपीज ट्रांसफर कर ही दिए हैं, और अब मैं स्टार्ट कर रहा हूं इस 50,000 रुपीज के साथ अपनी ये जर्नी। तो हुआ क्या म्यूचुअल फंड्स में, ध्यान से समझो। देखो मुझे पता है कि आपको शायद पता होगा म्यूचुअल फंड क्या होता है, बट मैं जब कोई एग्जाम्पल लेके बेस कॉन्सेप्ट ले डाउन करता हूं ना, तो मैं उसके पीछे का कोई रीजन है। जब मेरे को कोई हाई लेवल का कॉन्सेप्ट पढ़ाना होगा ना, तो हो सकता है मैं कनेक्ट करूंगा आपको इस बेस कॉन्सेप्ट के साथ। सो आपको लगेगा अरे यार ये तो पता है हमारे को, चलो चलो सर आगे आगे बढ़ो। हाँ अच्छी बात है, पता है, हो सकता है सबको पता भी ना हो, तो उनके लिए भी है ये। और दूसरा मेरे कुछ आगे के एडवांस लेवल कॉन्सेप्ट के लिए मैं बेस लेवल कॉन्सेप्ट को कभी भी पकड़ के रखता हूं, ठीक है ना? याद रखना, द मोर द रूट्स आर स्ट्रॉन्गर द बेटर द ट्री विल ब्लॉसम। वाह क्या बात है। चलो अब सो ऑन दैट नोट क्या हुआ था, अभी आप लोगों के पास था सरप्लस मनी, और इस पैसे का आप लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे, बैंक में ये सरप्लस मनी पड़ा था। आप लोग ने सोचा क्यों ना इस सरप्लस मनी को हम इन्वेस्ट करे, और इन्वेस्ट करके कुछ अच्छा वाला रिटर्न अर्न करे। मैं बोला बहुत अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या है पता है, आप लोगों के पास टाइम है ही नहीं। आने वाले 5 6 महीने आप लोगों के इतने टाइट है दैट यू डोंट हैव एनी टाइम। सो दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल मई तो कहाँ आया कहाँ गया पता भी नहीं चलेगा। तो 6 मंथ्स यू आर वेरी वेरी ऑक्यूपाइड, तो आप लोगों के पास टाइम नहीं है। और अभी तो आप AFM पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो मेरे से, तो अभी तक आप लोगों को इतना अच्छा मार्केट का नॉलेज भी नहीं है, राइट? तो इन दो चीज आपके पास नहीं है, ना टाइम है ना नॉलेज है। आप आ गए मिस्टर संकल्प के पास, मिस्टर संकल्प के पास टाइम भी है, संकल्प के पास नॉलेज भी है। तो आपने सोचा यार क्यों ना ऐसे बंदे को अपना ये सरप्लस मनी दिया जाए, ताकि वो इन्वेस्ट करके हमको रिटर्न्स लाके दे सके। बट क्या वो ये सब फ्री में करेगा क्या? द आंसर इज नो। उसके लिए भी तो कुछ ना कुछ मोटिवेशन रहना चाहिए। तो इस म्यूचुअल फंड को मैनेज करने के लिए जहां पे संकल्प अपना टाइम और नॉलेज दोनों इन्वेस्ट कर रहा है, उसके लिए आप बोलते हो सर हम आपको एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फीस देने के लिए रेडी हैं, आपको हम लोग एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का फीस देने के लिए रेडी हैं। क्या बोलते हो पब्लिक, सही जा रहा हूं मैं? क्या आप लोग रेडी हो? द आंसर इज यस सर। सो इसी चिड़िया का नाम है म्यूचुअल फंड। पूल ऑफ मनी जो आया है उसको इन्वेस्ट करना है, और आपका ये सरप्लस मनी उसको मैं इन्वेस्ट कर रहा हूं, इन्वेस्ट करके रिटर्न्स ला रहा हूं। जहां पे भी इन्वेस्ट कर रहा हूं पैसा आपका है, जो रिटर्न्स आएगा पैसा आपका है। मैं खाली उसमें से मेरा एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट फीस जो प्री डिसाइडेड होगा वो माइनस करके सारा का सारा पैसा आपको दे दूंगा, सारा का सारा पैसा आपको दे दूंगा। और ये पैसा मैं कहाँ इन्वेस्ट करूंगा? ये पैसा मैं कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता हूं। हो सकता है कि ये पैसा मैं इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करूं,
हो सकता है ये पैसा मैं डेट मार्केट में भी इन्वेस्ट करूं, थोड़ा मैं इसको गोल्ड में भी डाल दूं, थोड़ा मैं इसको रियल एस्टेट में भी डाल दूं, थोड़ा रिस्क लेने के लिए मैं इसको क्रिप्टो में भी डाल दूं। बट ये सब जो भी मैं करूंगा आपको बता के करूंगा, बाकायदा मेरे म्यूचुअल फंड के स्कीम में लिखा होगा ये सब चीज कि मैं कहां कहां पे कितना कितना इन्वेस्ट करने वाला हूं। समझ में आ रही है आपको बातें एवरीबॉडी? बस इसी से स्टार्ट हुआ था ये कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड, ये कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड। अब सुनो, आप लोग आए मेरे पास, आपने बोला कि सर हम आप इन्वेस्ट करने के लिए रेडी हैं। अब मेरे को जस्ट यस का मैसेज आया। यस मुझे क्या बोलता है, यस बोलता है कि सर सर आप बाकी लोगों से 50,000 रुपीज लो, बट सर मेरे पास थोड़ा ज्यादा पैसा है, मेरे पास 1 लाख रुपया है। यस बोलता है, यस बराबर बोल रहा हूं मैं, यस बोलता है सर मेरे पास तो 1 लाख रुपया है। अच्छा ऐसा, ठीक है। फिर बाद में मीनल, मीनल लड़का है या लड़की है, लड़की होगी आई एम श्योर, मीनल आती है और मेरे पास बोलती है, मीनल बोलती है सर मेरे पास है ना सर 75,000 रुपीज है। तो ओके बहुत अच्छी बात है। फिर बाद में मेरे पास रिया आती है, रिया आती है और बोलती है सर आप पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है, सर सर आप पे मुझे ज्यादा भरोसा नहीं है सर, मैं 25,000 रुपये डालूंगी आपके ऊपर, 25,000 रुपये सर मेरे पास ही रहने दो, नहीं करना है मेरे को इन्वेस्ट। ठीक है, जैसी जिसकी श्रद्धा जैसी जिसकी इच्छा। तो यस बोलता है सर आप पे पूरा भरोसा है, डबल पैसा लगाऊंगा सर आप पे। मीनल बोलती है सर 75,000, रिया बोलती है सर आप पे मैं तो 25,000 से ज्यादा ना लगाऊ सर। ठीक है, जिसको जैसा लगाना है। अब अलग अलग लोगों ने अलग अलग पैसा दिया है मुझे, हेलो, अलग अलग लोगों ने अलग अलग पैसा दिया है, तो मैं कैसे याद रखूं किसने कितना दिया है? ठीक है, मैं उन लोगों को कहीं ना कहीं लिख के दे दूंगा कि भाई रिसीव्ड रुपीज 75,000 फ्रॉम यस, रिसीव्ड 75,000 फ्रॉम यस, मैं बोल दूंगा भाई रिसीव्ड सॉरी 1 लाख रुपीज फ्रॉम यस, रिसीव्ड रुपीज 75,000 फ्रॉम मीनल, रिसीव रुपीज 25,000 फ्रॉम रिया। ये रिया को तो मैं देख लूंगा, बोलती है सर आप पे भरोसा नहीं है 25,000 ही लगाऊंगी मैं, और बाकी यस और मीनल थैंक यू यार, उम्मीद से ज्यादा विश्वास किया है तुमने मेरे पे, लाज रखूंगा मैं तुम्हारी। तो इस हिसाब से ये लोग सब लोग ने मेरे को पैसा दे दिया, और मैंने ये पैसा जो है आप लोगों का इन्वेस्ट करना चालू कर दिया। ठीक है, बट एक और नया कॉन्सेप्ट यहाँ पे इवॉल्व हुआ, बोला कि यार ऐसे रुपीज के टर्म्स में तो यार याद नहीं रख सकते कि कितना रुपीज मैंने लिया है। अभी से फॉर एग्जांपल मैं अच्छा रिटर्न्स लाने लगा तो हो सकता है यस बोलेगा सर मेरे को और इन्वेस्ट करना है, हो सकता है कि मीनल बोलेगी सर मेरी शादी है मेरे को थोड़ा बेच देना है तो इसमें से थोड़ा बेच देंगे अपन। तो उसको डिटरमाइन कैसे करें कितना खरीदना है कितना बेचना है, इसके लिए एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया। जैसे इक्विटी में शेयर्स मिलता है, वैसे ही हम लोग ने बोला म्यूचुअल फंड में इनको देंगे हम यूनिट्स। जैसे इक्विटी में शेयर्स मिलता है, हेलो हेलो हेलो, जैसे इक्विटी में इन लोगों को अपन अपने पास क्या होता है बचपन से देखते हैं ना इक्विटी में, तो कि अपने को शेयर्स मिल रहा है, नंबर ऑफ शेयर्स मिल रहा है, वैसे ही यहाँ पे हम लोग ने बोला क्यों ना जो हमारे म्यूचुअल फंड शेयर होल्डर्स म्यूचुअल फंड होल्डर्स है उनको भी एक यूनिट में डिनोट करके दिया जाए। तो हमने बोला कि एक यूनिट का हम प्राइस रखेंगे, हेलो, एक यूनिट का, कौन से यूनिट का, एस के म्यूचुअल फंड के एक यूनिट का हम प्राइस रखेंगे रुपीज टेन पर यूनिट, एक यूनिट का हम प्राइस रखेंगे। सही है, ये एक तरीका थोड़ा अच्छा लग रहा है कि भाई एक डिफाइन हो गया। अब मेरे पास अगर यस आता है और यस बोलता है सर मैं तो आपके पास 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो जैसे ही यस आया उसको मैंने बोल दिया ले तेरे 10,000 यूनिट हुए, ले तेरे 10,000 यूनिट हुए। मेरे पास मीनल आती है, मीनल बोलती है सर 75,000 रुपीज मैं दूंगी, मैंने बोला मीनल तेरे 75,000 यूनिट हुए। तो म्यूचुअल फंड में अगर किसी को इन्वेस्ट करना है तो वो पैसा देता है म्यूचुअल फंड कंपनी को, तो मैं जो पोर्टफोलियो मैनेजर हूं मैं एस्टैब्लिश करूंगा समथिंग कॉल्ड एज अ एएमसी, असेट मैनेजमेंट कंपनी, समथिंग कॉल्ड एज अ असेट मैनेजमेंट कंपनी। तो आप लोग आएंगे मेरी असेट मैनेजमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे,
और आप लोगों को मैं सामने क्या दूंगा, यूनिट दूंगा म्यूचुअल फंड खरीदने के लिए। आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आए तो मैं आप लोगों को क्या दूंगा, यूनिट्स दूंगा। तो आप लोग क्या बन जाएंगे, जैसे शेयर में बनते हैं शेयर होल्डर्स, यूनिट में बनते हैं यूनिट होल्डर्स, यूनिट में बनते हैं यूनिट होल्डर्स। क्या आप लोगों को, सब लोगों को समझ में आ रही है एवरीबॉडी, यस और नो? सो यूनिट होल्डर, यूनिट्स क्या होते हैं, समझ में आ गया? एक डिनोमिनेशन, म्यूचुअल फंड में जो पैसा लगाया है, कितना पैसा लगाया है, उसको डिनोट कैसे करें, तो उसको डिनोट किया इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। एक यूनिट है मेरा 10 रुपए का जब मैंने इन्वेस्ट किया, ठीक है? तो ये हो गए मेरे यूनिट्स, आप बन गए मेरे यूनिट होल्डर्स, आप बन गए मेरे यूनिट होल्डर्स। क्लियर है इधर तक किसी को कोई भी डाउट? अब सुनो क्या होगा, अब सुनो क्या होगा, ध्यान से समझना, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं आपको, प्रैक्टिकली बता रहा हूं कैसे चीजें चलती है। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ यश ओनली। यश कम्स टू मी एंड बोलता है, सर 1 लाख रुपीज आई हैव गिवन टू यू। आई सेड यस। एस के म्यूचुअल फंड, द म्यूचुअल फंड असेट मैनेजमेंट कंपनी गिव्स यश 10,000 यूनिट्स। सो आज की तारीख में, इन टुडे सिनारियो, मिस्टर यश हैज 10,000 यूनिट्स ऑफ रुपीज 10 ईच, ऑफ रुपीज 10। तो ऐसे कर समझो ना, उसको मैं एक एनवलप में एक पेपर पे लिख के दे दूंगा। अब ये जो 1 लाख रुपया एस के म्यूचुअल फंड के पास आया है, हेलो, ये जो 1 लाख रुपया एस के म्यूचुअल फंड के पास आया, एस के म्यूचुअल फंड अपने पास रखेगा कि इसको इन्वेस्ट कर देगा? सीधी सी बात है, इसको इन्वेस्ट कर देगा। अब सुनो, एस के म्यूचुअल फंड ने क्या किया पता है क्या? इस अज्यूम करना, अभी एक ही खाली मेरे पास यूनिट होल्डर है। एस के म्यूचुअल फंड ने इन्वेस्ट किया इसको, थोड़ा सा इन्वेस्ट किया इसको गोल्ड में और थोड़ा सा इन्वेस्ट किया इसको इक्विटी शेयर्स में। एस के म्यूचुअल फंड में इसमें से 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदा। कितने का? 10 ग्राम्स ऑफ गोल्ड खरीदा वर्थ रुपीज 50,000। भाई 1 लाख रुपया आया है ना, 50,000 रुपीज का 10 ग्राम्स का गोल्ड खरीदा, ठीक है? और इक्विटी शेयर में भी इन्वेस्ट किया। कितना इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया पता है? रिलायंस का शेयर्स ले लिया वर्थ रुपीज 50,000। समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा और मैं आप लोगों को बताता हूं। हम लोग के पास, एसके म्यूचुअल फंड के पास आ गया रुपीज 1 लाख। हेलो, एसके म्यूचुअल फंड के पास आ गया रुपीज 1 लाख। एसके म्यूचुअल फंड गया गोल्ड खरीदने, उसने खरीदा 10 ग्राम गोल्ड। ये 10 ग्राम गोल्ड खरीदा उसने 50,000 रुपए में, ऑन द स्पॉट, ऑन द स्पॉट। बोलो, दूसरा उसने इक्विटी में भी इन्वेस्ट किया। इक्विटी में उसने क्या किया पता है क्या? उसने 1,000 शेयर्स खरीदा एट द रेट रुपीज 50 ईच। हेलो, एट द रेट रुपीज 50 ईच। तो ये भी कितना हो गया? रुपीज 50,000। ये आज का सिनारियो है, ये आज का सिनारियो है टुडे, ये आज का सिनारियो है टुडे, ये आज का सिनारियो है टुडे। अब मेरे पास से 6 महीने बाद यस आया। यस बोला कि सर देखो, आप पे विश्वास किया है, एंड आई हैव शो ट्रस्ट ऑन यू। सर अब मेरे को ये पूरा का पूरा पैसा चाहिए क्योंकि मैं मम्मी पापा के लिए कुछ लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मेरे को ये पूरा का पूरा पैसा चाहिए। मैं बोला डन। अब यश को मैं 1 लाख रुपए वापस रिटर्न दूंगा या ज्यादा दूंगा या कम दूंगा, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है? कैन आई से वो डिपेंडेंट है मेरे इन्वेस्टमेंट के ऊपर। अब जब यश मेरे पास आया, तब 10 ग्राम का गोल्ड का प्राइस चल रहा है ₹65,000 और रिलायंस का शेयर हो गया है ₹75 ईच। तो आप मुझे बताओ कि अब आफ्टर 6 मंथ्स जो यश ने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया था, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, उसका वैल्यू क्या हो जाएगा? लुकिंग एट दिस सिनेरियो, तुम लोग को मुझे बताना है। मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, मैं तो कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, तुम लोग को मुझे बताना है। बोलो बोलो बोलो, टेल टेल एवरीबॉडी, टेल टेल एवरीबॉडी, क्या लग रहा है, क्या यश का आज की तारीख में वैल्यू कितना हो जाएगा? एवरीबॉडी हैज टू आंसर। कृतिका हैज ऑलरेडी गिवन मी द आंसर्स। अदर श्रावणा, वेरी गुड मोहिता, एवरीबॉडी हैज गिवन द सेम आंसर। आप बोलेंगे कि सर 1 लाख रुपए जो इन्वेस्ट किए थे ना आज, उसमें जो गोल्ड में इन्वेस्ट किया था सर, वो वैल्यू हो गया है सर 65,000।
और जो इक्विटी में इन्वेस्ट किए थे ना अपन सर, वो वैल्यू हो गया है सर 75,000। टोटल मिला के हो गया सर 1,40,000। सर 1,40,000। तो आज यश ने जो इन्वेस्ट किया था, कॉन्ग्रेचुलेशन यश, आज उसका वैल्यू हो गया है आफ्टर 6 मंथ्स ₹1,40,000। आर वी क्लियर एवरीबॉडी? इतना सब लोग को समझ में आ रही है बातें? सबको समझ में आता है? ऑल इज वेल? यस सर, समझ में आ गया। राइट, अब यश के पास तो यूनिट्स पड़ा है। यश ने तो 10,000 यूनिट्स लिया था एट द रेट ₹10 पर यूनिट। आज भी आफ्टर 6 मंथ्स भी उसके पास तो यूनिट्स ही पड़ा है। उसके पास तो अभी भी 10,000 यूनिट्स ही है। बट क्या इस यूनिट का पर यूनिट वैल्यू अब चेंज हो जाएगा क्या? बोलो बोलो चल चल। द आंसर इज यस। अब आप बोलेंगे सर ये जो 1,40,000 रुपीज है फॉर द 10,000 यूनिट्स, अब इसका वैल्यू हो गया है ₹14 पर यूनिट। ₹14 पर यूनिट। और हो सकता है अब यश मेरे को बोले सर ऐसा करो, मुझे सारा पैसा नहीं चाहिए, मुझे सारा पैसा नहीं चाहिए, आप ऐसा करो मुझे है ना खाली 2,000 यूनिट सेल करना है। तो कहना इसे आज ये 2,000 यूनिट सेल करने का, पहले उसने जब इन्वेस्ट किया था तो ये 2,000 यूनिट्स मतलब उसने 20,000 इन्वेस्ट किया था, बट आज जब वो इसको सेल करने के लिए आएगा तो ये 2,000 यूनिट्स के लिए अपन उसको 14 पर यूनिट के हिसाब से कहना है से ₹28,000 देंगे। एवरीबॉडी यस और नो? समझ में आ रहा है? ये प्रैक्टिकली ऐसे ही होता है। क्लियर है आप लोगों को? इतना बेसिक से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि आगे जब मैं फॉर्मूलाज डिराइव करूंगा ना, तब ये बेसिक वाला फॉर्मूला को कनेक्ट करूंगा एंड यू विल बी लाइक अच्छा एफा, सब मस्त में कनेक्ट हो जाएगा। क्लियर एवरीबॉडी? सो 10,000 रुपीज इन्वेस्टेड हैज नाउ, आई मीन 1,00,000 रुपीज इन्वेस्टेड हैज नाउ बिकम 1,40,000। बट उसको मैं जज कैसे करूं? तो उसके लिए मैंने यूनिट्स बनाए। अब यूनिट का तब एक यूनिट का वैल्यू था ₹10, आज उसे एक यूनिट का वैल्यू हो गया है ₹14। आज उसे एक यूनिट का वैल्यू हो गया है ₹14। उसमें से यश को अगर एक पार्ट ही इन्वेस्ट करना है, इट इज अप टू हिम, ही कैन इन्वेस्ट दैट, ही कैन सेल ओनली दैट मच पार्ट एट ₹14 एट एट 28,000। क्लियर हो गया है आप लोगों को एवरीबॉडी? यस 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 सर। सो 10,000 यूनिट्स एट 10 हैज नाउ बिकम 14। ये जो चेंज हो रहा है ना, ये जो चेंज हो रहा है ना, इसको बोलते हैं नेट एसेट वैल्यू। क्योंकि हुआ क्या पता है, जब आज से 6 महीने पहले या टुडे जब मेरे पास यश आया था तो उसने 1 लाख रुपए मुझे दिए, ऐसे यश के जैसे और बहुत सारे लोग आए, 1 लाख रुपए दिए। ये 1 लाख रुपए जो मेरे पास आए इसको बोलते हैं ओम। ओम मतलब दिस इज द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट, दिस इज द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। तो मेरे पास कितना एसेट्स अंडर मैनेजमेंट है? ₹1,00,000। इस एसेट को मैंने इन्वेस्ट किया और 1,40,000 किया, राइट? बट उसको तो मैं तो यूनिट के टर्म्स में कन्वर्ट कर चुका हूं, तो इसको भी नाम देना पड़ेगा, बराबर है? अगर मैंने यूनिट के टर्म्स में कन्वर्ट नहीं किया होता ना, तो ये एसेट अंडर मैनेजमेंट ही होता। तो यश मेरे पास आता बोलता सर मेरा 1 लाख का एसेट अंडर मैनेजमेंट आपके पास है, तो उसमें से कितना हुआ? 1,40,000 एसेट अंडर मैनेजमेंट हो गया है सर, बट उससे बेटर टर्म दे दिया एंड इट वाज नाउ कॉल्ड एज यूनिट्स। तो यूनिट्स को भी वैल्यू देना पड़ेगा। जब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट को वैल्यू देना था, हेलो कनेक्ट द वर्ड्स, एसेट अंडर मैनेजमेंट को वैल्यू देना था, इट वाज कॉल्ड एज नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। समझ में आ रहा है नाम कैसे पड़ा? अपन को पता होगा म्यूचुअल फंड का, हाँ, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट के ऊपर, बट दिस इज हाउ द नेमिंग वॉज डन, दैट द एसेट्स अंडर मैनेजमेंट फॉर पर पर्सन पर यूनिट हैज टू बी डिटरमाइंड। तो कैसे करेंगे? नाम दिया उसको नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट। समझ में आ रही है बातें? तो जो भी आपका एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है बॉस, ये अगर 50,000 का 65,000 हुआ, ये अगर
50,000 का या 1,25,000 हुआ, या 1,00,000 का टोटल 1,40,000 हुआ, रियल में मेरा एसेट अंडर मैनेजमेंट बढ़ रहा है, बट उसको मैं डिनोट कैसे करूंगा अगर मुझे इंडिविजुअल यूनिट होल्डर को बताना है तो हर एक इंडिविजुअल यूनिट होल्डर को तो एसेट अंडर मैनेजमेंट इतना हो गया इतना हो गया नहीं बोल सकता। तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यूनिट के टर्म्स में लाया, और ये एसेट अंडर मैनेजमेंट को पर यूनिट बेसिस पे सिंप्लीफाई करने के लिए नाम दिया नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, विच इज नथिंग बट माई एसेट अंडर मैनेजमेंट ओनली, बट नाउ आई गेट दिस इन पर यूनिट बेसिस, इन पर यूनिट बेसिस, समझ गुरु एवरीबॉडी। तो इन शॉर्ट मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो इन्वेस्टमेंट जिस भी फॉर्म में बढ़ रहा है, हेलो, वो इन्वेस्टमेंट जिस भी फॉर्म में बढ़ रहा है, इक्विटी शेयर का वैल्यू बढ़ सकता है, गोल्ड का वैल्यू बढ़ सकता है। अगर समझो 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 इस 3 महीने में मुझे इस इक्विटी शेयर के ऊपर, मैंने रिलायंस के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया था, हेलो आपसे पूछ रहा हूं मैं, जवाब दो ना, मैंने इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया था, मैंने रिलायंस के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया था, इस रिलायंस के इक्विटी शेयर में इन्वेस्ट किया और 15,000 रुपए मुझे डिविडेंड मिला, ये डिविडेंड किसका है, ये डिविडेंड किसका है, एसके संकल्प कांस्टिया का खुद का है या ये यस को बिलोंग करता है, यूनिट होल्डर को बिलोंग करता है, बोलो बोलो ये डिविडेंड किसका है, मुझे बताओ, मैं आपसे सुनना चाहता हूं, ये डिविडेंड किसका है, यस का है कि संकल्प का है? करेक्ट, ये डिविडेंड यस का है। अगर ये डिविडेंड भी मिला होगा तो ये 15,000 भी ऐड हो जाएगा, यस बोलेगा, यस का एसेट अंडर मैनेजमेंट हो जाएगा 1,55,000, उसका यहाँ पे जो नैव है वो हो जाएगा 15.5 पर यूनिट। सही बोल रहा हूं कि नहीं मैं एवरीबॉडी? सो लास्ट हाफ एन आवर में अपन लोग ने कुछ टर्म्स सीखे, खाली उन टर्म्स को लिख रहा हूं, आप मुझे कंफर्म कर दो हाँ सर ये टर्म समझ में आ गए। अगर मैं आपको लिखता हूं इधर असेट्स अंडर मैनेजमेंट, क्या आपको मेरी बातें समझ में आती है? अगर मैं आपको लिखता हूँ यूनिट्स, क्या आपको मेरी बातें समझ में आती है? अगर मैं इधर लिखता हूँ यूनिट होल्डर, क्या आपको मेरी बातें समझ में आती है? अगर मैं लिखता हूँ नैव पर यूनिट, इसको तो और डिटेल में डिस्कस करूंगा बट फिर भी ऊपर ऊपर से मोटा मोटा समझ में आता है। कूल, देन वी आर एब्सोल्यूटली ऑन द राइट ट्रैक गाइज, देन वी आर एब्सोल्यूटली ऑन द राइट ट्रैक, सही जा रहे हैं अपन, वाइब मैच हो रहा है, वाइब मैच हो रहा है एवरीबॉडी, वाइब चेक, यस। स्टार्टिंग का 2-3 लेक्चर स्मूथली, फिर थोड़ा धीरे धीरे जब तुम लोग का वाइब अच्छा होते जाएगा और अपन लोग क्वालिटी स्पीड दोनों मस्त बेटर करते जाएंगे। चलो क्लियर है इधर तक सर, मस्त में सेट है अपन लोग, ठीक है। अब थोड़ा और टेक्निकलिटीज के ऊपर मैं जाऊंगा, थोड़ा सा और टेक्निकलिटीज के ऊपर मैं जाऊंगा, चलेगा? चल स्टार्ट करता हूं मैं। अब जब ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ था ना, अच्छा अभी असेट अंडर मैनेजमेंट एकदम दिमाग में सेट है, यूनिट्स एकदम सेट है, यूनिट होल्डर एकदम सेट है, नैव पर यूनिट एकदम सेट है। अब मैं क्या बोल रहा हूं सुन ध्यान से, समझ में आया? जब ये म्यूचुअल फंड्स रियल में स्टार्ट हुआ था ना, तब उन्होंने क्या डिसाइड किया था पता है? ये कब स्टार्ट हुआ था? ये स्टार्ट हुआ था 1770 में, नेदरलैंड्स में, नाम याद नहीं है, वीके करके बंदा था, इफ आई एम नॉट रिमेम्बर, वैन कैटरिच करके बंदा था, उसने ये म्यूचुअल फंड्स का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था नेदरलैंड्स में, उसने ऐसे ही इंट्रोड्यूस किया था। उसने क्या बोला था पता है तभी, कि अगर आप मेरे म्यूचुअल फंड में, या सुनो समझो, एसके म्यूचुअल फंड आपको बोलता है कि आप मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो, बट अब समझो ध्यान से सुनना, आप लोग ने 1 दिसंबर को मेरे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दिया, मैंने आप लोग ने बोला कि हाँ सर आप इन्वेस्ट कर देते हैं आपके हम लोग म्यूचुअल फंड में, और सर एग्जाम खत्म होगा मई के बाद और उसके बाद हम लोग आ जाएंगे, तो आप लोग ने बोला 31 मई को सर हम लोग आएंगे 6 महीने बाद और तब हमारा पैसा ले लेंगे। मैंने बोला हाँ आओ ना 31 मई को आओ बिंदास, तब तुम लोग मेरे से तुम लोग का जो भी म्यूचुअल फंड यूनिट है रिडीम कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बीच में क्या हुआ, 3 महीने बाद यश को कुछ इमरजेंसी आया और यश मेरे पास 3 महीने बाद ही आ गया और बोलता है कि सर आप मेरे को अभी मेरे को थोड़ा म्यूचुअल फंड यूनिट्स बेचना पड़ेगा सर, कुछ इमरजेंसी है तो मुझे पैसा चाहिए। 3 महीने बाद ही वो यश आ गया मेरे पास,
क्या मैं उसको उसका यूनिट्स बेच के उसको रिटर्न दे दूंगा या नहीं दूंगा। मैंने तो बोला था 6 महीने बाद आना, ये हर्ष बीच में 3 महीने बाद आ गया, तो चलेगा क्या मैं उसको वो पैसा उसको दे दूंगा या नहीं दूंगा, बोलो। यू हैव टू टेल मी सर दे दोगे आप, या बोलोगे नहीं सर 6 महीने का बात हुआ है, 6 महीने बाद ही यश आ सकते हैं, पहले हम उसको पैसा नहीं देंगे। बोलो बोलो, चल चल। ओके ओके, मेरे पास जवाब आ रहे हैं। टेल मी, गिव इट टू यश और डोंट गिव इट टू यश? गिव इट टू यश और डोंट गिव इट टू यश? ओ हाय रुत्वी, डिपेंड्स डिपेंड्स, वेरी गुड, गिव इट आंसर आंसर, वेलकम फर्स्ट डे आई थिंक रुत्वी, फर्स्ट डे मनोज ना, गिव इट गिव इट गिव इट, वेदर आई कैन गिव इट, अगर 3 महीने बाद, क्या 3 दिन बाद यश आएगा, 3 महीने बाद आएगा, 4 महीने बाद से फॉर एग्जाम्पल रिया आ गई, उसके 5 महीने बाद से फॉर एग्जाम्पल मीनल आ गई, कोई भी सिचुएशन हो, आई कैन गिव इट और नॉट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ द फंड। तो इसी के साथ मैं आ रहा हूं मेरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसका नाम है म्यूचुअल फंड का स्ट्रक्चर कैसा हो। तो दो तरह के यहाँ पे म्यूचुअल फंड के स्ट्रक्चर होते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड, जैसा कि नाम वैसा कि काम। जब आपको चाहिए आप आके इन्वेस्ट करो म्यूचुअल फंड में, जब आपको चाहिए आप पैसा लेके जाओ म्यूचुअल फंड से, इसको बोलते हैं ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। दूसरा फंड कौन सा है मेरा, उसको बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड म्यूचुअल फंड। तो जिस दिन मैंने ये तुम लोग को यूनिट्स दिया ना, उसी दिन आप लोग मुझे पूछ लोगे सर आपका ये एसके म्यूचुअल फंड क्या है, सर क्लोज एंडेड है या ओपन एंडेड है। अगर समझो मैं बोलता हूं ओपन एंडेड है, तो यस 3 दिन बाद आएगा तो भी चलेगा, मैं उसको वो जो बोलेगा वैसा मैं वैसा कर दूंगा। बट अगर मैं बोलता हूं नहीं, ओपन एंडेड नहीं क्लोज एंडेड है, तो यश कुछ भी कर ले 6 महीने के पहले वो मेरे पास नहीं आ सकता। क्या ये बाइफरकेशन आपको समझ में आया? एग्जैक्टली, तो बेसिकली क्लोज एंडेड में हो गया है लॉक इन, और ओपन एंडेड में जब आओ जब जाओ आपकी इच्छा आपकी इच्छा। तो ये ओपन एंडेड फंड एसपीओएम के एग्जाम के जैसा है, जब देना है दे सकते हो, जब आपका पढ़ के हो गया एग्जाम का डाल दो, जब आपको देना है दे सकते हो। क्लोज एंडेड फंड अपने मेन एग्जाम जैसा हो गया, बस खाली 6 महीने में एक बार, 4 महीने में एक बार, इंटरमीडिएट एंड एवरी बार। क्लियर एवरीबॉडी? सो ओपन एंडेड फंड क्या होता है, इन सिंपल वर्ड्स इन्वेस्ट एंड रिडीम, रिडीम मतलब सेल, इन्वेस्ट एंड रिडीम एनी टाइम इन द म्यूचुअल फंड। एंड क्लोज एंडेड का फंडेड मतलब क्या होता है, इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग, अब सुनो, आज 1 दिसंबर को अगर मैं तुम लोग को ये सब चीजें बता रहा हूं ना, तो इसको बोलते हैं मैं अपना एक एनएफओ लेकर आया हूं, मैं अपना एक एनएफओ लेकर आया हूं। अगर आज मैं आपको बोल रहा हूं ना चलो चलो सब लोग मेरे फंड में इन्वेस्ट करो, तो इसका मतलब क्या है, मैं अपना एक एनएफओ लेकर आया हूं, मैं अपना एक एनएफओ लेकर आया हूं। क्या होता है ये एनएफओ, न्यू फंड ऑफर, और इस न्यू फंड ऑफर पे ही कंपनी को बताना पड़ता है कि वो ओपन एंडेड फंड ला रही है या क्लोज एंडेड फंड ला रही है। क्या करके सीखते जा रहे हो चीजें, वेरी नाइस। इन्वेस्ट ओनली ड्यूरिंग द एनएफओ, बस उसके अलावा आपको इन्वेस्ट करने को नहीं मिलेगा, उसके अलावा आप नहीं कर सकते, ठीक है। अब सेल करना है आपको या बाय करना है, ओपन एंडेड में एनी टाइम सेल, एनी टाइम बाय एंड सेल विद
म्यूचुअल फंड कंपनी डायरेक्टली बिंदास, बट क्लोज एंडेड में ऐसा नहीं होगा। सर अगर 3 महीने बाद मेरे को और खरीदने हैं और ये लोग ने लॉक इन पीरियड डाल दिया है, क्लोज फंडेड फंड में क्या होता है, बेसिकली क्लोज एंडेड म्यूचुअल फंड में लॉक इन होता है। क्या होता है लॉक इन, कि भाई इतने महीने तक आप ना इन्वेस्ट कर सकते हो ना रिडीम कर सकते हो, बट मेरे को फिर भी ये फंड में इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूं, तो फिर आपको सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड कंपनी बोलेगा मेरे पास तो मत ही आना, मैं तो लॉक इन पीरियड के अंदर ऑपरेट कर रहा हूं, तो आप सेकेंडरी मार्केट में जा सकते हो, मतलब स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट में आप बाय करो सेल करो, मार्केट में कोई बायर या सेलर है उसके साथ आप डीलिंग कर लो, म्यूचुअल फंड कंपनी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? हो सकता है, मतलब क्लोज एंडेड में भी हो सकता है, बट म्यूचुअल फंड कंपनी बोलती है मेरे पास नहीं आने का। अब हो सकता है यश बैच में, यश जो है वो बड़ा ही नटखट लड़का है, तो उसने देखा कि हाँ रिया है और अमीनल है, चलो चलो इनसे मैं बात करता हूँ, और इंडिविजुअली उसने बोल दिया ए रिया तू मेरे मेरे म्यूचुअल फंड्स खरीदेगी क्या, ए रिया तू तेरे म्यूचुअल फंड सेल करना मेरे को, बाहर उनको जो करना है वो करो, मेरे क्लास में ये बाइंग एंड सेलिंग, आई मीन मेरे म्यूचुअल फंड में डायरेक्टली ये बाइंग एंड सेलिंग, नो चल बे नो चल बे। समझ में आ रही है आपको मेरी बातें? सो दैट बेसिकली इज कॉल्ड एज क्लोज्ड एंडेड फंड्स। मार्केट में करो जो करना है, उसको बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। वैसे तो सीए फाइनल सीडब्ल्यूए फाइनल वाले हो, पता होना चाहिए ये सब बातें, बट फिर भी गुड। क्लियर एनीबॉडी एवरीबॉडी? बोलो रे बोलो। लॉक इन पीरियड तो दे नहीं सकते, देन एनी डाउट्स प्लीज आस्क। सर एनएफओ मींस, एनएफओ का मतलब होता है न्यू फंड ऑफर। तो जब 1 दिसंबर को या आज मैं अपना फंड लॉन्च कर रहा हूं और उस दिन आके तू मेरा यूनिट्स खरीदती है वर्षा, उसको बोलते हैं एनएफओ न्यू फंड ऑफर। गॉट इट डन सब लोगों? सो यहां पे ओपन एंडेड में क्या हो रहा है, एनी टाइम बाय एंड सेल विद म्यूचुअल फंड कंपनी डायरेक्टली, वर्ड डायरेक्टली। बट हमारे क्लोज एंडेड में क्या होगा, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन आउटसाइड मार्केट। आउटसाइड मार्केट मतलब सेकेंडरी मार्केट यार, सेकेंडरी मार्केट। बट कब, ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड। लॉक इन के बाद, लॉक इन पीरियड खत्म हो गया फिर आप जाओ ना डायरेक्टली म्यूचुअल फंड कंपनी के पास, कोई प्रॉब्लम नहीं, ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड। क्लियर है सबको? एनी डाउट्स एनीबॉडी? आगे बढ़ सकता हूं मैं? चलो क्लियर है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं, डन। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, फटाफट मुझे उसका आंसर देते जाना तो मुझे शांति हो जाएगी और मैं आगे बढ़ पाऊंगा। एसके म्यूचुअल फंड एक नया एनएफओ लेकर आया, वर्षा समझती है एनएफओ? साक्षी तू अभी ज्वाइन हुई है क्या? सी गाइज इफ यू आर ज्वाइनिंग लेट एंड देन आस्किंग मी टू रिपीट, ये तो गलत हुआ ना दीदी। हाँ आप हो स्टार्टिंग से और आपको अगर आपको डाउट आया और आप बोलते हो कि सर ये वापस से बताओ, एक नहीं 10 बार बताऊंगा, बट आप लेट आ रहे हो और आप कर रहे हो तो गलत है। तो कैसे पता चला आपको सर लेट आ रहे हो? तो जैसे ही आप लोग आते हो तुम लोग को मुझे बता देना है, गुड मॉर्निंग या कुछ ऐसे लिख के बता देना है, तो मुझे पता चल गया ये बंदा कब से है। बीच में अचानक से डाउट पूछा, आप आ गए हो स्टार्टिंग से ही, आप 7 बजे से बैठे हो बट आप ईगो में हो, आप बोलते हो नहीं 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 बोलने का गुड मॉर्निंग, बट सीधा 7:30 बजे आपको डाउट आया, सीधा 7:30 बजे डाउट आया, आपने सीधा डाउट पूछा, तो मुझे लगेगा कि आप अभी आए हो और अभी अचानक से बीच में से आए हो इसलिए कुछ समझ में नहीं आया इसलिए डाउट पूछ रहे हो, तो मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। तो इसके लिए आते ही ईगो को साइड पे रख के गुड मॉर्निंग विश कर दीजिए, सुप्रभात विश कर दीजिए, है कि नहीं? ओके ग्रेट ग्रेट। साक्षी जी बोल रही है सर नहीं मैं हूं तो आपने अभी तक दिया नहीं है एक भी गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग, ईगो नहीं है सर? अच्छा, ओके ओके ओके। हाँ बता साक्षी, आजा, किस चीज में डाउट है तू लिख, बिंदास तेरा डाउट मैं आंसर करूंगा। तब तक मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, इस एग्जाम्पल को जब तुम लोग सॉल्व कर लोगे ना दिमाग में एकदम सेट हो जाएगा यार ओपन एंडेड क्लोज एंडेड क्या होता है। सुनो, एसके म्यूचुअल फंड एक एनएफओ लेकर आया
और ये था ओपन एंडेड एनएफओ। ठीक है, एनएफओ का पीरियड था, एनएफओ का पीरियड था, एनएफओ मतलब न्यू फंड ऑफर। तो इस पीरियड में मैं खरीद सकता हूँ। देखो अभी थोड़ा इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ोगे ना तो आपको दिखेगा, जब खोलोगे तो HDFC ब्रिंग इट्स न्यू एनएफओ, तो तब समझ जाने का क्या होता है ये सब, समझ रहे हो। तो 1 जुलाई से लेकर, हेलो ऐसे ही फर्स्ट सॉरी दिसंबर का बात हुआ अपना, 1 दिसंबर से लेकर से 15 दिसंबर तक का है मेरा ये एनएफओ का पीरियड। अब सुनना ध्यान से, 20 जुलाई को, हेलो 20th, अरे जुलाई क्यों लिख रहा हूं, दिसंबर, 20th दिसंबर को मेरे को आई वॉन्ट टू परचेज SK म्यूचुअल फंड, तो क्या करेगा? या मिस्टर कोई इधर तुम लोग में से किसी का नाम लिख देता हूं, मिस साक्षी एविडेंस वॉन्ट्स टू परचेज, साक्षी वॉन्ट्स टू परचेज SK म्यूचुअल फंड, बोलो कर सकती है और कहां से कर सकती है वो बताओ। साक्षी अभी तेरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों को पूछ रहा हूं गाइस, कहां से साक्षी परचेज कर सकती है ये म्यूचुअल फंड, या कर सकती है कि नहीं कर सकती है, बताओ। वेरी गुड विनेश कुमार, वेरी नाइस। सो इधर तुम लोग ने सही जवाब दिया है, साक्षी करे कैन डायरेक्टली परचेज फ्रॉम SK म्यूचुअल फंड सर जी। ओके अब सुनो, साक्षी 25 दिसंबर को आई और बोलती है सर आई वॉन्ट टू सेल SK म्यूचुअल फंड, साक्षी वॉन्ट्स टू सेल SK म्यूचुअल फंड। साक्षी जी क्या करेगी, साक्षी जी कहां पे जाएगी ये म्यूचुअल फंड बेचने, बोले बोले चल चल। करेक्ट सर, डायरेक्टली साक्षी जी डायरेक्टली सेल कर सकती है टू SK म्यूचुअल फंड। ठीक है साक्षी जी, इधर तक समझ में आया आपको? सेकंड एग्जांपल के ऊपर जा रहा हूं साक्षी जी, अभी आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अब एग्जांपल टू में वापस से साक्षी जी गई SK म्यूचुअल फंड के पास, बट इस टाइम SK म्यूचुअल फंड था क्लोज्ड एंडेड फंड। हेलो क्लोज्ड एंडेड फंड था वो। अब हुआ क्या, सेम एनएफओ पीरियड आया, इस एनएफओ पीरियड में लोगों ने खरीदा 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक, 1 दिसंबर से लेके 10 दिसंबर तक इसका एनएफओ पीरियड था। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे आप लोग, 9 दिसंबर को साक्षी आई और उसको परचेज करना है SK म्यूचुअल फंड, वो कहां से परचेज करेगी बोलो। चलो मैं इधर 3 डेट्स लिख देता हूं, मैं इधर 3 डेट्स लिख देता हूं, 9th दिसंबर, 12th दिसंबर को भी उसको बाय करना है, 9th दिसंबर को भी उसको बाय करना है, 9th दिसंबर को भी उसको बाय करना है, 12th दिसंबर को भी उसको बाय करना है, पर 15th दिसंबर को उसको सेल करना है। आप मुझे बताएंगे, जी हाँ आप मुझे बताएंगे, 9th दिसंबर को वो कहां से करेगी, प्रॉपरली लिख के बताओ, 9 कहां से, 12 कहां से, 15 कहां से। साक्षी जी आप ही जवाब दीजिए, कमान साक्षी जी या एवरीबॉडी, डेट के साथ लिखो ना यार। चलो चलो बोलो बोलो चल चल, बोलो ना बोलते क्यों नहीं। ओके द केस, वेरी गुड साक्षी जी, आपका जवाब आया क्या, रुत्वी करेक्ट, एन श्रीवी, श्रावणा, एक्सेलेंट गाइस, यू गाइस आर चैंपियन यार, करेक्ट। सो 9th वाला जो है यू विल परचेज डायरेक्टली फ्रॉम SK म्यूचुअल फंड। साक्षी तेरा डाउट क्लियर हुआ क्या?
डायरेक्टली फ्रॉम एस के म्यूचुअल फंड। बट 12th और 15th के बाय करना है, सेल करना है, जो करना है तुम्हारे को करो, बट यहां पे नहीं चलेगा। जाओ जरा सेकेंडरी मार्केट में, जाओ जरा सेकेंडरी मार्केट में जाके बाय सेल करो। यार ये साक्षी जवाब ही नहीं दे रही है। साक्षी डाउट क्लियर हुआ क्या बेटा? यस डन 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 डन। सो सेकेंडरी मार्केट से आपको बाय करना है, सेल करना है, जो करना है आप करो। क्लोज एंडेड फंड में एनएफओ के बाद बाहर। 3 साल का एनएफओ पीरियड है मेरा, 3 साल का। से फॉर एग्जांपल मेरा यहाँ पे क्लोज इन है। अब ये 3 साल के बाद अगर आपको सेल करना है तो आप जा सकते हो वापस से। 3 साल के बाद आपको करना है वापस से बाइंग एंड सेलिंग ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स इन आउटसाइड मार्केट ड्यूरिंग लॉक इन पीरियड। मतलब एनएफओ के बाद लॉक इन पीरियड वनवास स्टार्ट हो चुका है। उस टाइम पे आप डायरेक्टली म्यूचुअल फंड के साथ डायरेक्टली कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर क्लोज एंडेड फंड हुआ तो, ओपन एंडेड हुआ तो एनी टाइम एंट्री, एनी टाइम एग्जिट। समझ रही है आपको मेरी बातें? डन। अब मैं बार बार बोल रहा हूं बाय करेंगे सेल करेंगे क्या, सुनना। अभी मेरे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा हूं मैं। तो कॉन्सेप्ट टू कॉन्सेप्ट जा रहे हैं अपन लोग। एयूएम, एनएफओ, यूनिट्स, यूनिट होल्डर्स, ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड, सबके सब तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते जा रहे हैं। मेरा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, पूरे के पूरे म्यूचुअल फंड में ये कॉन्सेप्ट बार बार यूज आने वाला है, तो ध्यान रखना। मुझे बताओ एक बात, यश जब मेरे पास आया 1 लाख रुपए लेके, तो मैं उसको क्या दूंगा? सुनो, यश मेरे पास आया। ओके 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 ओके, नो वरीज। यश जब मेरे पास आया 1 लाख रुपए लेके, एनएफओ के टाइम पे मेरे पास आया 1 लाख रुपए लेके, तो मैं उसको क्या दूंगा? अभी फटाफट आंसर देते जाने तुम लोगों। श्रावणा कितना यूनिट्स दूंगा? समझो ₹10 पर यूनिट है, मैं कितना यूनिट दूंगा उसको? करेक्ट, 10,000 यूनिट्स दूंगा। द आंसर इज करेक्ट सर। ये सब कब हुआ सर? ये सब हुआ 1 दिसंबर को, ठीक है? अब 6 महीने बाद से ये सब हुआ हम लोग का, 1 दिसंबर को। ये हम लोग का सारा डिस्कशन हुआ 1 दिसंबर को। अब सुनो, थर्टी फर्स्ट मे को यश बोलता है सर इसमें से मेरे को 2,000 यूनिट सेल करना है। मैं क्या बेसिस पे सेल करूंगा? क्या बेसिस पे सेल करूंगा? कैन आई से बेस्ड ऑन नैव पर यूनिट, राइट? कैन आई से ये जो नैव उस दिन चल रहा है, जैसा अपने एग्जांपल में 14 पर यूनिट था, स्टार्टिंग से अपन लोग जो एग्जांपल दे रहे हैं उसमें 14 पर यूनिट का नैव था, तो कैन आई से 14 पर यूनिट के हिसाब से उसको अपन लोग 28,000 रुपीज दे देंगे? अरे हाँ कि ना? सो इन शॉर्ट, म्यूचुअल फंड में बाय या सेल करना है तो किस यूनिट, किस प्राइस पे होगा? जैसे शेयर मार्केट में शेयर खरीदना है और शेयर सेल करना है, तो स्टॉक मार्केट में जो शेयर का प्राइस चल रहा है उसके ऊपर बाइंग एंड सेलिंग होता है, वैसे ही स्टॉक मार्केट में ये बाइंग एंड सेलिंग किस प्राइस के ऊपर होता है उसको कहते हैं यूनिट प्राइस। इस यूनिट प्राइस को क्या नाम दिया है? नैव पर यूनिट। इस लिख के बताओ, इस यूनिट प्राइस को क्या नाम दिया है? समझ में आ रहा है आपको एवरीबॉडी? सो आ रहे अपन लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखने यहाँ पे, एंड दैट इज नेट असेट वैल्यू। नेट असेट वैल्यू, देखो प्राइस एट विच, ध्यान से, प्राइस एट विच म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर बॉट एंड सोल्ड फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी। म्यूचुअल फंड कंपनी, स्टॉक मार्केट नहीं, उसके लिए आऊंगा मैं। फ्रॉम म्यूचुअल फंड कंपनी इन केस ऑफ ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड। इस प्राइस के ऊपर, नैव पर यूनिट के ऊपर म्यूचुअल फंड यूनिट्स आर बॉट
एंड सोल्ड। जब ये 14 रुपीज का हुआ तब से फॉर एग्जाम्पल श्रावणा कम्स एंड टेल्स दैट सर आई वॉन्ट टू परचेज मोर यूनिट्स। तो हम लोग उसको बोलेंगे ओके गिव अस 14 पर यूनिट, वी विल गिव यू यूनिट्स अकॉर्डिंगली, वी विल गिव यू यूनिट्स अकॉर्डिंगली। ए समझ गुड एवरीबॉडी, क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही है? क्या नया पर यूनिट क्लियर हो गया? किसी को कोई भी डाउट, कोई शक? डन। सो कैन आई राइट नैव पर यूनिट इज इक्वल टू, विद योर परमिशन ना गाइस, नैव पर यूनिट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड, वैल्यू ऑफ 1 यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड। ये देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूं, कुछ कुछ चीजें मैं लिखवाऊंगा अभी, जहां पे फॉर्मूलाज आना चालू होगा वो मैं लिखवा दूंगा, सम जहां पे सॉल्व करवाना होगा वो मैं करवाऊंगा, बाकी ये नोट्स तुम लोग के पास रहने वाला है तो तुम लोग को सब रिकलेक्ट हो जाएगा। एनी बडी एनी डाउट स्टिल क्लियर? बोलो बोलो। नहीं ना, इसी बात के ऊपर। इधर तक सब लोगों को क्लियर है? इधर तक सब लोगों को क्लियर है? ग्रेट। अच्छा अब कुछ प्रैक्टिकल बातें आप लोगों को बता देता। नैव पर यूनिट इज कैलकुलेटेड डेली एट द एंड ऑफ ट्रेडिंग डे। सर क्या बोले, कुछ समझ में नहीं आया? हाँ बता दो बता, डोंट वरी। नैव पर यूनिट कब कैलकुलेट होता है? इज कैलकुलेटेड डेली, एवरी डे, रोजीना इज कैलकुलेटेड डेली। कब? एट एंड ऑफ ट्रेडिंग डे। कितने बजे मार्केट बंद होता है, क्या आपको कुछ आइडिया है उस चीज का? जरा बताओ मुझे, रोज मार्केट कितने बजे ओपन होता है और क्लोज होता है, जरा बताओ तो, जरा देखे तो सही इनकी नॉलेज। हाँ भाई, सो 9:30, 9:15 टू 3:30, वेरी नाइस वेरी नाइस। यूजुअली यस 9:15 पे ट्रेडिंग चालू हो जाता है और 3:30 को खत्म हो जाता है। तो यहां पे देखो क्या लिखा है, एंड ऑफ ट्रेडिंग डे। तो 3:30 PM का जो प्राइस है ना उसके हिसाब से नैव कैलकुलेट होता है। अब ध्यान से प्रैक्टिकल चीज बताता हूं क्या होता है, सुनो। म्यूचुअल फंड कंपनी है, म्यूचुअल फंड कंपनी ने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया होगा। इक्विटी शेयर का वैल्यू तो हर सेकेंड चेंज होता है, 9:15 से 3:30 के बीच में देखना कभी इक्विटी शेयर को, हर सेकेंड चेंज हो रहा है। तो म्यूचुअल फंड कंपनी यूनिट का जो नैव का पर यूनिट का प्राइस है वो भी हर सेकेंड उसी हिसाब से चेंज होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है। सेबी बोलता है कि आप हर सेकेंड प्राइस को चेंज मत करो। जब 3:30 हो जाए तब मार्केट क्लोज हो गया, तब रिलायंस का उस दिन का प्राइस अपने को पता चल गया, उस प्राइस को लेके आपका नैव कैलकुलेट कर लो और वही नैव अपना अगले पूरे दिन तक चलेगा टिल 3:30 PM। कुछ समझ में आया क्या आपको मैं क्या बोल रहा हूं? कुछ समझ में आया क्या? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप टेंशन मत लो। समझो आज है 10th of January, एग्जांपल दे रहा हूं, 10th of January है और मेरा है से एस के म्यूचुअल फंड का नैव दिया हुआ है ₹1,050 पर यूनिट, ₹1,050 पर यूनिट। ठीक है, ये है एट द रेट 3:30 PM। मैं प्रैक्टिकल चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है। एट 3:30 PM नैव पर यूनिट हम लोग ने कैलकुलेट कर लिया। अब सुनो, 10th Jan 3:30 PM से लेकर 11th Jan 3:29 PM तक, ठीक है, किसी को भी एसके म्यूचुअल फंड खरीदना है तो वो 1050 पर यूनिट के हिसाब से खरीदेगा, वो 1050 पर यूनिट के हिसाब से खरीदेगा। समझ में आई बात? समझो 11th Jan आ गया, अब क्या होगा पता है? 11th Jan को 3:30 PM को वापस से ये हो जाएगा ₹1,200, फॉर एग्जाम्पल।
नया हम लोग ने नया वापस से कैलकुलेट किया। अब 11th जैन से लेकर 12th जैन 3:29 PM तक जिसको भी खरीदना है या बेचना है वो 1200 के नैव के हिसाब से खरीदेगा। क्या आपको समझ में आया ये पॉइंट? प्लीज एक बार कंफर्म कर लो कि आप लोगों को ये पॉइंट समझ में आया क्या। अच्छी एवरीबॉडी, यस डन, ठीक है ना। अब ये नैव कैसे चेंज हो रहा है क्या है वो मैं आपको अभी सिखाऊं, उसका टेंशन मत लो। बट इस हिसाब से ये वर्किंग होता है। तो एवरी डे 3:30 PM जैसे ही मार्केट क्लोज हुआ, 3:30 PM कोई तो नहीं दे पाएगा, तो 4 बजे समझ लो, तो 4 बजे सेबी का फोन आ जाएगा म्यूचुअल फंड, हर एक म्यूचुअल फंड कंपनी के, हर एक म्यूचुअल फंड यूनिट के लिए सेबी फोन करेगा आपको। ए भाई एसके म्यूचुअल फंड चल तेरा आज का भाव दे, एसके म्यूचुअल फंड चल तेरा आज का दे, फाइनल क्लोजिंग के हिसाब से नया नया आएगा। फिर अगले दिन सुबह आपको नया नया खरीदना है तो लास्ट टाइम का जो क्लोजिंग होगा नया उसके हिसाब से आप खरीद सकते हैं। वॉट इज एवरीबॉडी? यस दैट विल बी वैलिड फॉर 24 आवर्स बेसिकली। बेसिकली समझी गुडू? नाउ आई हैव फ्यू क्वेश्चंस रिलेटिंग टू नैप, प्लीज आंसर देम, यू विल आंसर देम। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं नैब को रिलेटेड, प्लीज आंसर देना। फर्स्ट, डज नैब पर यूनिट चेंज एवरी डे? माय क्वेश्चन इज डज नैब पर यूनिट चेंज एवरी डे? आंसर यस और नो में देना बस। तुम गूगल ड्राइव पे हो तो भी कहीं पे लिख लो, व्हाट्सएप कर दो, जो करना है करो, पर दो आंसर। द आंसर इज यस, इट डस एवरी डे 3:30 बजे चेंज हो जाएगा, 4 बजे, चलो एवरी डे 4 बजे चेंज हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन, डज नैव पर यूनिट चेंज एवरी सेकेंड लाइक स्टॉक मार्केट? बोलो बोलो, टेल टेल, वेरी नाइस। ओनली एंड ऑफ डे, तो आंसर इज नो सर। गुड वन, गुड वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज नैव पब्लिश्ड एट डे एंड टू सेबी एवरी डे? ऑन एवरीवन, इज नाउ पब्लिश्ड एट डे एंड टू सेबी एवरी डे? कंपल्सरी, कंपल्सरी, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड परचेज एंड सेल ऑफ MF यूनिट्स कैन बी डन एनी टाइम डायरेक्टली विद म्यूचुअल फंड, यस और नो? यस और नो? जय बात यार, जय बात, यू गाइज आर अमेजिंग, गुड। नेक्स्ट, ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड्स आर परचेज्ड एंड सोल्ड एट वॉट प्राइस?
एट वॉट प्राइस, एट वॉट प्राइस। यस करेक्ट, ऑल ऑफ दिस इज डन एट सर नैव पर यूनिट, नैव पर यूनिट। तो जब ये नैव पर यूनिट इतना इंपॉर्टेंट है तो चलो ना आओ समझने की कोशिश करते हैं। सर व्हाट इज नैव पर यूनिट। अब मैं मेरे पुराने एग्जाम्पल के ऊपर वापस आ जाता हूँ। सर कौन सा एग्जाम्पल बता दो बता दो बता दो। मैं इसके लिए बोला ऑल माई एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, कब कहाँ पे क्या कनेक्ट होगा नोबडी नोस। ये एग्जाम्पल के ऊपर आ रहा हूं मैं, जहां पे मैंने 1 लाख रुपए जो मुझे यस से मिले थे मैंने इन्वेस्ट किए थे गोल्ड में, मैंने इन्वेस्ट किए थे इक्विटी में। मैंने जब इक्विटी शेयर्स लिया था तो उस दिन इक्विटी शेयर्स का वैल्यू था 50,000। 6 महीने बाद उस इक्विटी शेयर का वैल्यू हो गया, तब उस इक्विटी शेयर का पर शेयर वैल्यू था 50 रुपीज। उस हिसाब से मैंने 50,000 रुपीज के 1,000 शेयर्स लिए। जब मैं उसको, जब 6 महीने हो गए तो उस दिन उस इक्विटी शेयर का वैल्यू हो गया 75 पर शेयर। तो क्या इस 50,000 से 50 रुपीज पर शेयर का वैल्यू 75 पर शेयर हो गया, तो क्या इससे मेरे म्यूचुअल फंड के नैव पर यूनिट में इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा, आपको बताना है। 50 से अब इसका इक्विटी का मार्केट वैल्यू हो गया 75। हेलो, 50 से इक्विटी शेयर का वैल्यू हो गया 75। गोल्ड का 10 ग्राम मैंने जब लिया था 50,000 था, आज 65,000 हो गया है। क्या इस गोल्ड के मार्केट वैल्यू के चेंज होने की वजह से क्या मेरे नैव के ऊपर कोई इंपैक्ट आएगा क्या? बोलो ना, बोलते क्यों नहीं आएगा सर, 200%, 200% आएगा। एंड दैट इज वेयर नैव पर यूनिट इज कैलक्यूलेटेड एज एज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में इक्विटी शेयर भी आ गया, डिबेंचर बॉन्ड भी आ गया, गोल्ड भी आ गया, रियल एस्टेट भी आ गया, जो बोले वो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। सही जा रहा हूं मैं लॉजिकली? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग एनी इनकम देयर फ्रॉम। अगर इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट किया, 50 रुपए का 75 हुआ, तो वो तो आपने यहां पे मार्केट वैल्यू में ले लिया। बट उसी ड्यूरेशन में 15,000 रुपए का अगर आपको डिविडेंड मिला तो क्या वो भी इधर आएगा क्या? हाँ या ना बताओ, क्या वो भी इधर आएगा क्या? तो इंक्लूडिंग एनी इनकम देयर, बराबर कि नहीं? बोलो ना। हाँ? सो ये मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इंक्लूडिंग एनी इनकम, इंक्लूडिंग एनी कैश, इंक्लूडिंग एनी सरप्लस कैश लेफ्ट। मतलब क्या, मतलब क्या बताता हूं। यश ने मुझे दिया 1 लाख रुपया, मैंने ये 1 लाख रुपए में से 98,000 इन्वेस्ट कर दिया शेयर मार्केट में, 2,000 रुपए मैंने अपने पास रखा है। तो क्या ये 2,000 रुपए जो अपने पास रखा है, दिस ऑल्सो बिलोंग्स टू द यूनिट होल्डर, दिस ऑल्सो शुड फॉर्म पार्ट ऑफ नैव, हाँ या ना?
बराबर ना, जरूरी थोड़ी 1 लाख आया तो पूरा का पूरा 1 लाख इन्वेस्ट ही कर दूंगा। अरे हो सकता है 1 लाख नहीं इन्वेस्ट किया, अभी 98,000 इन्वेस्ट किया, 2,000 रुपया पड़ा है हमारे पास, तो क्या ये कैश भी इंक्लूड होगा क्या? इज कैश ऑल्सो इंक्लूडेड? एनी सरप्लस कैश जो पड़ा है म्यूचुअल फंड कंपनी के पास है तो यूनिट होल्डर का ही, तो नैव यूनिट होल्डर के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कैश भी ऐड हो जाएगा कि नहीं है उसमें यार, सरप्लस बचा हुआ? समझे एवरीबॉडी? ऑल ऑफ दिस टूगेदर इज कॉल्ड एज नेट असेट वैल्यू। व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, हेलो, व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स, वी विल गेट, लेडीज एंड जेंटलमैन, वी विल गेट नैव पर यूनिट, वी विल गेट नैव पर। अच्छा एवरीबॉडी, एनी डाउट स्टिल हियर? सब लोग को प्रॉपरली एकदम समझ में आ गया? ठीक है, एनी सरप्लस? रिपीट, आई रिपीट। तेजस, तेजस तूने मुझे 1 लाख रुपया दिया, ठीक है, मैं म्यूचुअल फंड कंपनी हूं, उसमें से 98,000 मैंने इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया और 2,000 मेरे पास पड़ा है, ठीक है, ये 98,000 कल उठ के हो गया इसका वैल्यू 1,25,000 बराबर, और 2,000 मेरे पास अभी भी पड़ा है, तो तू मेरे को बता मेरे पास टोटल यूनिट होल्डर का कितना असेट अंडर मैनेजमेंट मेरे पास पड़ा है, तू मुझे बता। 98,000 ना, तूने 1 लाख दिया, उसमें से 98,000 मैंने इन्वेस्ट किया, 2,000 सरप्लस कैश पड़ा है, 98,000 आज 1,25,000 हो गया है, 2,000 अभी भी मेरे पास ऐसे ही पड़ा है। अगर तू मुझे आके पूछता है कि सर मेरा आज की तारीख में एयूएम कितना है, तो मैं क्या आंसर दूंगा तेरे को, कितना है मेरे पास बोलो? कैन आई से 1,25,000 जो वैल्यू हो गया वो प्लस कैश जो पड़ा है, वो तो पड़ा ही, तो 1,27,000, इट इज लाइक इन्वेस्टमेंट इन कैश, काइंड ऑफ, कि भाई कैश में भी इन्वेस्ट कर दिया थोड़ा सेफ। अरे टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट 1,25,000 जो है मार्केट में इन्वेस्टेड, प्लस ये कैश भी, टोटल 1,27,000। तेजस समझ में आया? गच्चा। सो अब ये मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट या फिर नैव पर यूनिट, ये जो भी है, ये सब चीजों में क्या क्या इंक्लूड होता है वो मैं अब तुम लोग को बताने जा रहा हूं। जी हाँ, तैयार है आप? दिल थाम के बैठिए। यस, तो चलो लेट्स स्टार्ट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट में क्या क्या आता है, सपोज इसको मैं लिख देता हूं एज अ वर्किंग नोट 1, तो यहां पे मैं लिख रहा हूं वर्किंग नोट 1, इसमें क्या क्या आ जाएगा, सारी चीजें, जैसे कि इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू, इक्विटी शेयर्स का मार्केट वैल्यू प्लस अगर आपको कोई इक्विटी डिविडेंड मिला हो इस दरमियान तो वो भी ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट, आपने डिबेंचर बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है, एफडी में इन्वेस्ट किया है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ बॉन्ड ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्या होता है, ये सब आपको वैल्यूएशन ऑफ सिक्योरिटी चैप्टर में सिखाऊंगा, बट प्लस इंटरेस्ट ऑन एफडी, डिबेंचर, बॉन्ड जो भी है ये भी इधर आ जाएगा। अगर आपको कोई मिसलेनियस इनकम मिला वो भी ऐड हो जाएगा। आपके पास कोई सरप्लस कैश बचा है क्या? हेलो, आपके पास कोई सरप्लस कैश बचा है क्या? वो भी ऐड हो जाएगा, सारे के सारे ऐड हो जाएंगे। राइट, सो बेसिकली एक सिंपल लैंग्वेज में बोलना हो तो जो भी एसेट में इन्वेस्ट करो, जो भी एसेट में इन्वेस्ट करो उस एसेट का
मार्केट वैल्यू प्लस इनकम फ्रॉम द एसेट विल ऑल्सो बी एडेड। ये सब चीज आप लोगों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिटर्न नोट्स में भी है, मैजिक बुक में भी है, ऑप्टिमाइज में भी मिलेगा, टेंशन नहीं लेने। ठीक है, क्लियर? इज अक्रूड इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स ऑल्सो इंक्लूडेड? यस दे ले इधर भाई, अक्रूड इंटरेस्ट ऑन एफडी और डिबेंचर। खुश शांति। सुनो, कभी कभी कोई शेयर सेल कर दिया, तो सेल करने के बाद जो अगर कुछ आप लोगों को इनकम मिला तो वो भी ऐड हो जाएगा। जैसे इसको बोलते हैं अपन लोग कैपिटल गेन, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स भी ऐड हो जाएगा। कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स हो सकता है ना, कोई शेयर आपने खरीदा हो 50 रुपए में, 1000 शेयर खरीदा, बट उसमें से 500 शेयर 75 रुपीज में बेच दिया, तो वो 500 शेयर के ऊपर 25 रुपीज का इनकम आया है। वो इनकम किसका? म्यूचुअल फंड को मिला। म्यूचुअल फंड का सारा पैसा किसको बिलोंग करता है? यूनिट होल्डर को। वो भी ऐड हो जाएगा, कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स भी ऐड हो जाएगा। एनी इनकम ऑफ मिसलेनियस इनकम, एनी एग्जाम्पल ऑफ मिसलेनियस इनकम इन केस यू गेट एनीथिंग एज सच, आई जस्ट रिटन इट। सपोज यू हैव इन्वेस्टेड इन सम से इन सम रियल एस्टेट एंड यू हैव अर्न सम रेंटल इनकम, कैन बी एडेड यू राइट। सो दैट सो एनी इन्वेस्टमेंट दैट यू हैव डन, उसका मार्केट वैल्यू, उस इन्वेस्टमेंट से जो भी इनकम आया वो सारा चीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। बराबर है? बट क्या इनकम इनकम आते जाएगा? क्या म्यूचुअल फंड का कोई एक्सपेंस नहीं होता है क्या? वो माइनस करना पड़ेगा, प्रोफेशनल फीस, एडमिन स्टाफ का खर्चा, रेंट ऑफ ऑफिस, वो सब कौन माइनस करेगा? टेक्नोलॉजी के ऊपर जो खर्चा किया वो लोग ने, वो सब चीज यहाँ पे माइनस भी होगी। सो लेस एक्सपेंसेस राइट, विच कुड बी। सर विल कैपिटल गेन इज नॉट इंक्लूडेड इन सरप्लस कैश? नहीं यश, क्या हुआ सुन, क्या हुआ सुन, 1 लाख रुपए तेरे से मिला, मैंने उसको इन्वेस्ट कर दिया, 98,000 को इन्वेस्ट कर दिया, 2,000 रुपए मेरे पास पड़े हैं सरप्लस कैश। इस 98,000 में से मैंने कुछ शेयर्स बेच दिए, वो शेयर्स बेचने के बाद वो पैसा मेरे पास पड़ा है, बट वो कैपिटल गेन वाला पैसा है, उसको सरप्लस कैश में मत गिन, पड़ा होगा आज कैश के फॉर्म में, बट दैट इज कैपिटल गेन वाला कैश। सो वो कैपिटल गेन वाला कैश है। अग्रीड, समझ गया तेरी बात की सर, है तो वो कैश पड़ा अपने पास, चलेगा, वो ऐड करना है, बट वो कैपिटल गेन वाला कैश है, उसको ऐसे आइडेंटिफाई कर, सरप्लस कैश मत गिन उसको, वैसे समझा? सो एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस क्या क्या एक्सपेंसेस माइनस होगा? इट कुड बी रिलेटेड टू एडमिन, इट कुड बी रिलेटेड टू सैलरी टू स्टाफ, बराबर है कि नहीं? प्रोफेशनल फीस ऑफ एएमसी सब यहां पे माइनस हो जाएगा, प्रोफेशनल फीस ऑफ एएमसी सब चीज यहां पे माइनस हो जाएगा, सब चीज यहां पे माइनस हो जाएगा। ये सब मैंने यहां पे लिखवाया है मैजिक बुक में, आप लोगों को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन बुक में भी डिटेल में एक्सप्लेनेशन है, यहां पे उसका फॉर्मूला के टर्म्स में है, सब चीजें आपके पास, आप खाली यहां पे समझो और मेरी बात को ध्यान दो। हाउ कैन बी कैपिटल गेन ऑन शेयर्स? पुंतुरु साई किरण, आई विल एक्सप्लेन ब्रदर। सी हियर, सपोज देयर इज एस के म्यूचुअल फंड, ब्रदर एस के म्यूचुअल फंड, ऑन 1 जैन इट हैज रुपीज 1 लाख असेट अंडर मैनेजमेंट, दिस रुपीज 98,000 इन्वेस्ट एट 100 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड एट रुपीज 980 पर शेयर, एट 980 पर शेयर रुपीज 2,000 सरप्लस कैश, डन। नाउ लिसन व्हाट हैपेंस, 2 जैन, अब सुनो, तुम लोग को मुझे एसेट अंडर मैनेजमेंट 2 जैन का कैलकुलेट करके बताना है। इफ आर आई एल शेयर इक्वल टू रुपीज
1995. You have to tell me what is the asset under management. Your time starts now. Yes. Yes. बोलो क्या आएगा. सो रिलायंस का शेयर हो गया अब 995. अब ध्यान से सुनना मेरी बातों को, क्या हो रहा है यहाँ पे. चलो मैं और एक चीज बोल देता हूँ. 1 lakh AUM एंड 10,000 यूनिट्स. मैंने यहाँ पे 10,000 यूनिट्स एट द रेट 10 पर यूनिट के नैव पे 1 lakh rupees किया. अब क्या हुआ यहां पे, दैट 100 शेयर्स एट 980 थे तो ये था 98,000. तो ये था 98,000 बराबर. अब 100 शेयर्स एट द रेट हो गया 995. So this will become 99,500. जो 2,000 कैश है वो तो 2,000 कैश ही रहेगा. तो ये हो जाता है 1,01,500 डिवाइड बाय 10,000 यूनिट्स एंड द नैव पर यूनिट इज रुपीज 10.15 पर यूनिट. किसी को कोई डाउट इसमें, किसी को कोई भी डाउट है क्या इसमें? नहीं, क्लियर है, डन. अब सुनो, अब क्या हुआ, से मैंने ये 100 शेयर्स में से 100 शेयर्स में से 70 शेयर्स सेल कर दिए एट द रेट रुपीज कितने में खरीदा था, 980 में खरीदा था ना. तो से फॉर एग्जांपल 999 में मैंने इसको सेल कर दिया. सर कैन वी टेक 98,000 प्लस 1,500? यस मैम, आप वैसे भी कर सकती है. 98,000 प्लस 1,500 भी कर सकती है, कोई टेंशन नहीं. अब यहां पे से 70 शेयर्स मैंने सेल कर दिया एट द रेट 999. जब मैं ये शेयर्स सेल करता हूं, तो आई एम मेकिंग अ प्रॉफिट. ये जो प्रॉफिट है ना, दिस बेसिकली इज कॉल्ड एज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स. बस वो लोग वही बोल रहे हैं कि ये अगर कोई कैपिटल गेन हुआ तो वो भी यहां पे ऐड हो जाएगा, दैट्स इट, एज सिंपल एज दैट. गॉट इट? सो इस बेसिस पे अभी जो मैंने तुम लोगों को एग्जांपल्स दिया है, कैन आई से मेरे को नैव पर यूनिट कैलकुलेट करना आ गया. What is NAV per unit? Market value of investment including any income therefrom, dividend, FD का interest, कुछ भी हो, any surplus cash left, जो भी हो, सब मिला के net asset value बनता है, divide by total number of units. अब ये जो total number of units है ना, इसकी जगह पे outstanding number of units भी लिखते हैं. क्यों? वो भी मैं आपको बताता हूं, सुनो. So total net asset value, ये टोटल नेट एसेट वैल्यू कैसे होगा? अब आप पूछेंगे सर ये कैपिटल गेन ऑन शेयर्स और ये सब कैसे कैलकुलेट होगा? आएगा, वो सब चीज आगे कैलकुलेशंस कैसे करना है वो सब आएगा धीरे धीरे, डोंट वरी. है ना, अपन लोग बैठे अभी तो ये चैप्टर स्टार्ट हुआ है, डोंट वरी. सो टोटल नैव मेरा आ गया है, मेरे को कैलकुलेट करना आ गया भाई. टोटल नैव इज नथिंग बट मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस उसमें से अगर कोई इनकम मिला प्लस अगर मेरे को कोई सरप्लस कैश है
ये सब मिला के मेरा आ जाता है टोटल नेप, ये सब मिला के आ जाता है टोटल नेप डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स, ऐसे लिखा जाता है। अच्छा बाय द वे इसमें माइनस भी कर देने का एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कोई बाकी हो तो भी चलेगा, एक्सपेंसेस एक्चुअली इंकर्ड या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस दोनों माइनस रहेगा। सो माइनस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और एक्सपेंसेस एक्चुअली इंकर्ड, ये दोनों माइनस हो जाएगा डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। मतलब सुनो, सपोज यहां पे टोटल एनएफओ के टाइम पे 10,000 यूनिट्स अपन लोग ने इशू किया, ठीक है, और उसमें से टोटल एनएफओ इशू 10,000 यूनिट्स था। सपोज उसमें से 1,000 यूनिट्स आया कोई यूनिट होल्डर और बोलता है मेरे को रिडीम करना है, मतलब उसको 1,000 यूनिट्स अपने को बेचना है, तो आज मेरे पास तो 9,000 यूनिट्स ही बचेगा ना। सो इसके लिए आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है मेरा, 9,000 यूनिट्स। आगे क्वेश्चन नंबर 2 जब अपन लोग करेंगे तब ये चीज और क्लैरिटी आएगा, क्योंकि ये जब 1,000 यूनिट्स सेल कर रहे हैं तो अपने अकाउंट में से पैसा भी जाएगा, यूनिट्स भी कम हो रहा है, तो वो सारा जो कैलकुलेशन है वो अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 में। बट खाली एक आइडिया दे रहा हूं कि जब तुम लोग ये देखो ना आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स तो टेंशन नहीं लेने का, उसका पीछे ये रीजन है कि भाई जो भी एड लेस हुआ है मेरा वो सब इंक्लूड करके जो आउटस्टैंडिंग यूनिट्स बच रहा है वो मुझे यहां पे बताना है। फॉर नाउ वी विल कीप इट वेरी सिंपल, टोटल नेट एसेट वैल्यू विच इज मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस इनकम प्लस कैश माइनस एक्सपेंसेस डिवाइड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड, ये सब मिला के बन जाता है मेरा नैव पर यूनिट। क्या इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? हाँ, आउटस्टैंडिंग वाला सेकेंड क्वेश्चन में अभी का अभी सॉल्व हो जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं। राइट, और बाकी कोई चीजें हैं जो अपन लोग करते जाएंगे आती जाएगी, धीरे धीरे बिल्डअप होते जाएगा। और भी मुझे यश ने भी एक डाउट पूछा था पर थोड़ा वो आगे का डाउट हो गया। राइट, वैसे भी वो चीजें होता है ना, कुछ कुछ चीजें होती है जो आप लोग आगे का पूछ लेते हो बट वो आगे वैसे भी विद द फ्लो ऑफ कॉन्सेप्ट होने ही वाली है। सो नॉट वरी, इतना बेसिक समझ में आ गया है, द आंसर इज यस, तो अपन लोग फटाफट ऑन दैट नोट ओपन करेंगे, अपन लोग फटाफट ऑन दैट नोट ओपन करेंगे। अपन लोग सब लोग ओपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, प्लीज स्टार्ट ऑप्टिमाइज का। स्क्रीन बराबर है क्या, प्लीज आस्क, स्क्रीन बराबर है प्लीज कंफर्म। सॉल्यूशन इज गिवन सो दैट यू कैन रिफर इट एट अ टाइम इन फ्यूचर, नॉट सो दैट नाउ यू हैव टू यूज इट नाउ। वैसा आई डोंट नो, स्क्रीन मेरी तरफ से तो पूरा क्लियर है, मे बी सम नेट इश्यू फ्रॉम योर एंड और आई डोंट नो। चलो नो प्रॉब्लम, एनीवेज ब्लर्ड इट इज। ओके, राम्या इज सेइंग इट इज क्लियर। कैसे है? चलो ऑन दैट नोट वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन एंड आंसर। स्क्रीन शायद थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, नेट के इश्यू की वजह से भी हो सकता है कुछ लोगों का, बट वी विल स्टार्ट नाउ। सो क्या है क्वेश्चन, फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ अ फंड आर अवेलेबल,
एक फंड है, उसने इन्वेस्ट किया है कितना, 2 लाख शेयर्स एट 35, 3 लाख 40, 4 लाख 20, 6 लाख 25। फंड हैज अक्रूड मैनेजमेंट फीस विद पोर्टफोलियो मैनेजर ₹30,000। कैन आई से दिस इज एक्सपेंस? कैन आई से दिस इज एक्सपेंस? देर आर 40 लाख यूनिट्स आउटस्टैंडिंग। कैन आई से दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स? हेलो, कैन आई से दिस इज नंबर ऑफ यूनिट्स? नो यार, 40 लाख यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। व्हाट इज द नैव ऑफ द फंड? क्या आप लोग सब लोग कैलकुलेट करके बता पाएंगे? एवरीबॉडी, चलो। सो रिक्वायर्ड पार्ट क्या है, तो देखो सम सॉल्विंग भी कर लेते हैं फटाफट, बट ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। नैव पर यूनिट ऑफ फंड अपने को कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करते हैं? वी विल से नैव पर यूनिट इज इक्वल टू, ये अभी नैव पर यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन है, इसके लिए पूरा फॉर्मूला लिख रहा हूं, नेक्स्ट टाइम एक्सपेक्ट करूंगा, आप लोगों को पता होना चाहिए। नैव पर यूनिट इज व्हाट? मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस अगर कोई डिविडेंड इंकम मिला या कोई इंटरेस्ट इंकम मिला या कोई कैश बचा है या कोई अक्रूड एक्सपेंसेस माइनस करना है, ऑल ऑफ दिस डिवाइड बाय आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ यूनिट्स। अच्छा है? चल सो आओ फटाफट, मार्केट वैल्यू शेयर्स का, मार्केट वैल्यू निकालने का टाइम आ गया है, लेट्स स्टार्ट। सो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स, मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स बोलो क्या आएगा? ए बी सी डी, नंबर ऑफ शेयर्स 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 6 लाख, 2, 3, 4, 6, राइट? ओके, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ शेयर? मार्केट प्राइस पर शेयर बोलो बोलो, चल चल। 35, 40, 20, 25, 35, 40, 20, 25 क्या मिल जाएगा मुझे? मिल जाएगा मार्केट वैल्यू, मुझे मिल जाएगा मार्केट वैल्यू कितना, वो तुम लोग कैलकुलेट करके बताओगे। मैं बोलूंगा ये होता है मेरा मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, बोलो कितना आता है टोटल? करेक्ट, इट विल बी रुपीस, प्लीज ये कैलकुलेशंस तो तुम लोग कर सकते हो यार, कम ऑन यार, 70 लाख तुम लोग को पूरा लिखना है। 1.2 करोर्स, 80 लाख, 1.5 करोर्स, ये होता है टोटल मिलके 4.2 करोर्स। अच्छा है एवरीबॉडी? सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 4 करोड़ 20 लाख माइनस, एक चीज मत भूलना, वो है आउटस्टैंडिंग या सॉरी अक्रूड एक्सपेंसेस। सो माइनस अक्रूड एक्सपेंसेस बोलो कितना है? अक्रूड एक्सपेंसेस 30,000, बचेगा कितना टोटल? नैव 4 करोड़ 19 लाख 70,000 डिवाइड बाय 4 लाख यूनिट्स, अपने को मिल जाएगा नैव पर यूनिट कितना, विद योर परमिशन एवरीबॉडी, ₹10.4925 पर यूनिट। हे समझ गुड एवरीबॉडी, डन। इसी के साथ होता है आज का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। 5 मिनट्स का ब्रेक मिलेगा आपको और मेरे को, मिलते हैं एक 5 मिनट्स के ब्रेक के बाद। आई होप क्वेश्चन नंबर 1 तक सब लोगों को क्लियर है। जी हाँ, इधर ये आप लोग को आंसर भी मिल गया, लिख लिया, डन एंड डस्टेड। सो फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट कॉन्सेप्ट नैव पर यूनिट का मैंने बता दिया है, उसके ऊपर सम भी सॉल्व कर दिया है।
नेक्स्ट पार्ट में नए कॉन्सेप्ट और नए सम्स के साथ मिलेंगे आफ्टर द ब्रेक. फटाफट आइएगा, योर 5 मिनट स्टार्ट्स नाउ. अभी तक किसी को कोई भी डाउट?